2024 के लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। अब इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अनादि टीवी के संवाददाता सचिन तिवारी से चुनाव हलाला सर्टिफिकेट से लेकर टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। नमस्कार, हमारे साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी। भट्ट जी, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, आज आप हरिद्वार पहुंचे हैं और युवा मोर्चा का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। युवाओं को और नए मतदाताओं को जोड़ने में युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान होता है। चुनाव वर्ष भी है और चुनाव वर्ष न भी हो तो भी हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला में मोर्चे कार्यक्रम तय होते हैं। तो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उस बैठक में आगामी दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है उस दृष्टि से युवाओं की भूमिका और अधिक से अधिक युवा पार्टी से जुड़े दृष्टिकोण के कार्यक्रमों की श्रृंखला आज की बैठक में बनने की। चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरे प्रदेश की बीजेपी पार्टी को संभालने का और एक साथ चलाने का जो है आपके ऊपर जिम्मा है। चुनाव आते ही कई धड़ इधर उधर नजर आते हैं, कई नेता अपना अपने दावेदारी ठोकते हुए नजर आते हैं। हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार सीट पे अभी लोकसभा सांसद हमारे निशंक जी हैं और इस समय कई नेता बीजेपी के हैं जो कि अपनी लोकसभा दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? एक टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन निर्णय हमारा जो नेतृत्व करता है और अब तो हमारे यहाँ टिकट फाइनल हो ही चुके हैं। कमल का निशान हमारा प्रत्याशी है और सारे कार्यकर्ता कमल त्रिनाथ को जिताने के लिए काम करते हैं। नहीं भट्ट जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के बीच है वो एक भ्रम की स्थिति नजर आ रही है। हरिद्वार की जनता की बात की, भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रम नहीं होता है। जब नेतृत्व निर्णय कर लेता है, नेतृत्व निर्णय सामने आएगा, उस निर्णय के साथ सारे कार्यकर्ता खड़े होते हैं। और पिछली बार भी माध्यम मतलब जीते हैं, इस बार उत्तराखंड की पाँचों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पाँचों सीटें जीतकर हम हैट्रिक बनाएंगे। भट्ट जी, एक मुद्दा अभी नया आया है उत्तर प्रदेश में, जो है कई प्रोडक्ट में जो हलाल का सर्टिफिकेट लगाए हुए प्रोडक्ट थे उनको बैन कर दिया योगी जी ने, और उन पे जो जो उन उनको सर्टिफिकेट देते थे उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है, क्या कहेंगे उत्तराखंड में, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? अभी इस प्रकार के विषय उत्तराखंड में आए नहीं है, जब भी ध्यान में आएगा तो उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ वैसे भी इस प्रकार के प्रोडक्टों को पूरी तरह हमने बंद किया हुआ है और कहीं ऐसा विषय आएगा उसको संज्ञान लेगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनसे बात की।